निषाद के खिलाफ छत्री समाज लामबद्ध, प्रतिष्ठित छत्री नेता को मंच से उतारने पर बड़ा मामला। छत्री नेता के समर्थन में लामबद्ध हुआ समाज, पूरनपुर के राम होटल हुई समाज की बैठक। डैमेज कंट्रोल में लगे क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा, सहारनपुर सरधना का मामला शांत भी नहीं हुआ कि पीलीभीत में छत्रियों ने जितिन प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें, प्रतिष्ठित छत्री नेता को मंच से उतारने के बाद मामला बढ़ता नजर आ रहा है। छत्री नेता के समर्थन में पूरा समाज लामबद्ध दिख रहा है। पूरनपुर के राम होटल में छत्री समाज की बैठक हुई। बैठक में पहुंचे बीजेपी विधायक ने मैनेजमेंट का जिम्मा उठाया। भाजपा विधायक के सामने छत्री समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी पर तमाम आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रत्याशी द्वारा छत्री समाज के नेता को मंच से उतरने के बाद विरोध शुरू हो गया। वहीं डैमेज कंट्रोल में लगे क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा समाज के नेताओं से बातचीत करने में जुटे हुए हैं। बता दें, पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के गांधीनगर में बैठक के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने छत्री समाज के नेता को मंच से उतारा था। पूरा बना चुका है कि इसे सबक सिखा के यहां से भेजेंगे, क्योंकि इसने तीन चुनाव हारे हैं, अब ये चौथा भी चुनाव हारेगा यहां से। ये इसके दिल में गलतफहमी कि भाजपा ने टिकट दे दिया और ये किसी का बगैर सम्मान करे और ये जीत जाएगा यहाँ से चुनाव, तो ये इसकी गलत फहमी। शायद हम सब लोग मिलकर यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ये निकाल सकते हैं। इतने लोग काफ़ी हैं कि ये गलत फहमी इनके अंदर जो भरी हुई है वो बिल्कुल ही निकल जाएगी। आज हम लोग अगर हैं, चुनाव लड़ाते हैं, अगर सपा का कार्यकर्ता है, अगर वो वोट भी देना चाहता तो हम लोग उसे घूमने नहीं देते थे। अपने व्यवहार से या अपने किसी भी कारण से हम लोग नहीं घूमने देते हैं कि चलो भाजपा को लड़ाओ। उसके हमेशा प्रेशर बनाए रहते हैं कि भाजपा को वोट दो, भाजपा लड़ाओ, भाजपा लड़ाओ। तो पूरा क्षेत्र अगर संगठित होता है तभी ये भाजपा का इतना बड़ा मतदान होता है, सब कुछ होता है। अगर हम जैसे लोग अगर निकल गए क्षेत्र के अंदर तो एक भीड़ लग जाएगी, भीड़ क्षेत्र में। अभी तो मान लीजिए बहुत कम लोगों को पता है कि मतलब हमने किसी को विशेष काली नहीं की और ना ही किसी को मतलब विशेष लोगों को बताया। जो भी हमारे शुभचिंतक लोग थे, अभी वाजपेयी जी ने सब पूरा बहुत डिटेल्स बताया, सब कुछ बताया। और पूरे जिले के लिए भेज से हमारे पास लगभग आज 200 फोन लगभग हमारे पास हमारे शुभचिंतकों के आए पूरे दिन से, क्योंकि हम जो कल की घटना हुई है उससे काफ़ी परेशान थे। हम सुन लीजिए पूरी रात।